हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? देखिए, मैं छत पे आ गई हूँ और ये मैंने मिर्ची सुखाने के लिए डाल दी हैं। और आज धूप हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है और मैं कपड़े डालने के लिए छत पे आई हूँ। मेरे घर के पास एक गांव है, पिलखोली है गांव, छोटा सा। और वहां से मेरे लिए कुछ आया है आज, वो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगी। देखिए क्या आया है। ओहो, मैंने अभी तक देखे नहीं थे। और वहां से आए हैं हमारे लिए माल्टे आए हैं, ये देखिए, ये माल्टे आए हैं और ये बहुत ही मीठे होते हैं। हम इसको लहसुन का नमक पीस करके इसमें लगा करके खाते हैं। धूप में बैठ करके खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लहसुन का नमक मिर्ची हम इसमें पीस करके डालते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस टाइम अभी मैंने पीसा नहीं है, मैं सादा ही नमक इसमें डाल रही हूँ। मैंने ये दिखाने के लिए आपको काट करके दिखाए हैं, नहीं तो मैं इनको धूप में बैठ कर ही खाते हैं। ठंडे भी होते हैं और खाने भी अच्छा लगता है। चलिए चलिए, आप भी खाइए फिर इनको। देखिए मेरा दिन का रूटीन, अब दूध वाला वाली दूध तो दे करके चली गई थी, पर ये मैंने दूध अब उबाला है क्योंकि मैं धूप में चली गई थी कपड़े डालने के लिए। और वैसे भी जाड़ों में आजकल दूध खराब होता ही नहीं है, बहुत देर में भी उबाल दो जाए। और मैं आज बना रही हूँ उड़द चावल। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये चावल बनाए हैं और ये कपूर कलर डाल करके बनाए हैं। सादे चावल उड़द के साथ में अच्छे लगते हैं। और ये खोल करके हमें बिरयानी की तरह लुक आ रहा है इसका, ये देखिए इस तरीके से एक एक चावल इस कलर से आ जाएगा। और ये इधर मेरे उड़द तैयार हो चुके हैं, हरी मिर्ची डाल के मैंने इसमें पका दिया है। और अब मैं इसमें बघार दूंगी एक मिनट। ये बघार में हो गया है, लहसुन ब्राउन हुए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी उड़द में और हरा धनिया डाल देंगे। अब ये देखिए मेरे उड़द तैयार हो गए हैं।